हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज हम आपको कंपेयर करके दिखाने वाले हैं एक्सेल फॉर्मूला और वीवीए फंक्शन में क्या डिफरेंस है। जैसे आपके सामने एक सेल्स का मेरे पास डेटा है और मुझे इसमें मान लीजिए इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव का स्लैब आपके सामने दिख रहा है कि 0 to 40 हुआ तो मुझे इसमें 500 का इंसेंटिव देना है, सॉरी 500 का इंसेंटिव देना है। 81 to 100 हुआ तो 1000 का देना है, और 81 से 100 में 1500 का, और ग्रेटर देन 100 मतलब कि 5000 का देना है। अब चलिए सबसे पहले इसको हम वीवीए के थ्री नहीं एक्सेल के थ्री हम करके दिखाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आपका जूम नहीं करते हैं। तो चलिए इसको मैंने तकरीबन 200% पे जूम कर लिया हुआ है। अब इसको हम वीवीए फॉर्मूला नहीं एक्सेल के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट कोड कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो 500। उसके बाद यहाँ हमने बोला कि इफ लेस देन इक्वल टू 80 हुआ तो 1000। उसके बाद अगेन हमने इफ लगाया और इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन इक्वल टू जी हाँ 100 तो 1500। अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन 100 तो 5000। तो ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लगा दिया अलग गया, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो ड्रैग हो जाता है। अगर इसमें हम किसी तरह का चेंजिंग करेंगे तो एंटर मारते ही ये अपने आप को अपडेट कर लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला हो जाने के कारण ये आपकी थोड़ी सी साइज को डिफेक्ट करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये फॉर्मूला हर कोई नहीं लगा सकता। अब जो एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा फैमिलर है वही फॉर्मूला को लगा सकता है, या फिर फॉर्मूले के अंदर जो इनपुट्स हैं जो रिजल्ट है उनको चेंज कर सकता है। जो बिल्कुल एक्सेल में बस कॉपी पेस्ट सिस्टम करता है, कॉपी पेस्ट वाला है, बहुत ही बिगनर है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे एमबीए के स्टूडेंट वगैरह होते हैं जो कि अपने कॉलेजेस में थोड़ी बहुत एक्सेल सीख लेते हैं, रिपोर्ट को देख लिया, थोड़ी बहुत बना लेते हैं, तो वो लोग इस तरह के फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा बने और आपको जो है अगर कल के डेट में डेटा यहाँ बढ़ता है तो फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट मैनुअली करना पड़ेगा, घटता है तो यहाँ 0-0 आ जाएगा तो आपको उसको फिर हटाना भी है, डिलीट भी करना है, तो ये एक सिस्टम आपका लगा रहेगा। अब चलिए इसी काम को हम एक्सेल वीवीए के साथ करते हैं। अब एक्सेल वीवीए में जब आते हैं तो हमारे पास दो रोल होता है कि हम एक फार्मूला जैसे एक्सेल में लगा हुआ फार्मूला है वो बना दें, या फिर हम मैक्रोज बनाएं। तो फिलहाल हम मैक्रोज बना रहे हैं, जी हाँ फिलहाल क्या बना रहे हैं, जस्ट मैक्रोज। तो विजुअल बेसिक में मैंने यहाँ पे 200% मैंने इसकी भी कोडिंग कर दी। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ, सब्जेक्ट आर आर यहाँ पे सी एल कैलकुलेट अंडरस्कोर INC ब्रैकेट ओपन क्लोज हमने कर लिया। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैग्नीफाई करने के वजह से ये थोड़ा सा फट रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ये वीडियो का है नहीं, एक वीडियो क्वालिटी पे नहीं है, वीडियो क्वालिटी ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करता हूँ कि 4 i = 1 to यहाँ पे हम सिलेक्शन दे देते सही रहेगा। पर तरीके बहुत सारे कि वीवी में हम सिलेक्शन कर देते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए ऑटोमेटिक आपका उसके आगे निकाल देगा। तो डिम आर एज ए रेंज, हमने रेंज ले लिया और लूप लगाता हूँ कि 4 h आर इन सिलेक्शन।
तो हम एक पर्टिकुलर रेंज के जगह पे हम सिलेक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं, फॉर इच सिलेक्शन। और फिर यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट आई, और उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कि लूप लगाते हैं, सिलेक्ट केस कर देते हैं कि सिलेक्ट आर डॉट वैल्यू, सॉरी ये सिलेक्ट केस आर डॉट वैल्यू, और यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं डिम के सेल एस एज ए लॉन्ग, तो इस पर रिजल्ट हमें स्टोर करेगा। अब यहाँ पे देते हैं केस 0 to 40, तो आर इक्वल टू 500, फिर केस 0 to 41, सॉरी 0 नहीं होगा, 41 to 80 होगा ना, सर 41 to 80, आर इक्वल टू 1000, फिर केस 81 to 100, केस नहीं, यहाँ पे रिजल्ट देना ना, आर इक्वल टू 1500, केस ग्रेटर देन 100, तो आर इक्वल टू 5000, और यहाँ पे एंड सेलेक्ट, और उसके बाद फिर यहाँ पे आर डॉट ऑफसेट। अब यहाँ पे 0 रो सेम रो के दूसरे कॉलम में कर देता हूँ मैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब एक कोडिंग हमने आपके सामने किया हुआ है, अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। मैं यहाँ से मैग्नीफायर हटाता हूँ और फिर वापस जाता हूँ कहाँ पे, अपने कोड में। अब मुझे इसमें क्या करना होगा, क्योंकि मैंने बोला है सिलेक्शन, कि जितना डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई, सॉरी यहाँ नेक्स्ट आई नहीं नेक्स्ट आर होगा, एक छोटी सी एरर आ गया। तो यहाँ पे मैंने उसको वापस रन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने रिजल्ट आ गया। इसको क्यों चेंज कर दिया, सॉरी आर कर दिया, ओहो हमें एस करना चाहिए था। बस शुरुआत में जब टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी एरर पता चल जाती है, तो ये एरर थोड़ा सा था क्योंकि रिजल्ट आ गया और उसने ओवरराइट कर दिया किसको, डेटा को ओवरराइट कर दिया। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम देखा आपने कि रिजल्ट आपका तभी चेंज होगा जब आप माइक्रो रन करेंगे, तो VVM में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका रिजल्ट तो आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने दिख गया, ये रहा रिजल्ट, तो रिजल्ट तो हमारा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे कैलकुलेटर में वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका एक्सेल फॉर्मूला इसको चेंज कर देता है, बट VVA नहीं चेंज करेगा, VVA को आपको माइक्रो को रन करना पड़ेगा। हाँ, VVA के थ्रू आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है तो हो जाएगा, बट फॉर्मूला होने से दिक्कत क्या होगी कि आपको ये प्रॉब्लम, ये बेनिफिट हो सकता है कि इतना लंबा फॉर्मूला ना लगाना पड़े, छोटा फॉर्मूला लगाना पड़े, लेकिन आपको आगे अगर कल के डेट में बढ़ता घटता है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो VVA जस्ट ऑटोमेशन, अब इसमें आम हम अपने हिसाब से चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसके रिजल्ट को एंड कंडीशन को, लेकिन कैसे अप्लाई होगा, कहाँ का अप्लाई होगा, अप्लाई को सही तरीके से करना, ये चीज़ें आपको नॉर्मल में नहीं होगी, बट VVA में आप अपने कोड को जैसे मर्जी वैसे चेंज कर सकते हैं, जो कंडीशन देना है, कुछ और करना है, कलर करना है, हाईलाइट करना है, एवरीथिंग यहाँ पे करा सकते हैं। तो VVA फॉर ऑटोमेशंस, तो VVA किसके लिए काम करता है, ऑटोमेशंस के लिए काम करता है, तो आप इसको ऑटोमेशंस के लिए यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है कि आप सीखेंगे कैसे। तो सीखने के दो तरीका, एक तो आप मेरे साथ जूम ऐप के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप के जरिए ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरिए। जी हाँ, कोर्स कंटेंट वगैरह सब मेरी वेबसाइट iptindia.com पे मिल जाएगी। आप बस अपना इंटरनेट खोलिए और सर्च कीजिए iptindia.com। तो ये लाइव क्लास हो गई, डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मेरे साथ क्लास ले सकते हैं। आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा लाइव क्लासेज है, ये हमारा वीडियो कोर्स है। लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो मेरे लाइव क्लास वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां पे ये VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहां से आप कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करके सारे कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं और यहां डेमो क्लास पे जाके अपने डेमो क्लास के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, डेमो क्लास का डेट एंड टाइम डिसाइड होगा एंड हम आपको डेमो देंगे। दूसरा, आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ आप डाउनलोड ऐप पे क्लिक करते हैं या प्ले स्टोर में जाके सर्च करते हैं एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको मेरे कोर्सेज के बारे में दिख जाता है। डिटेल्स के लिए मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।